फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। और आज गर्मी बहुत है, इसलिए हमने एसी चला के रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। अब आवाज़ आए नहीं आए कोई बात नहीं, इतनी आवाज़ आ जाएगी कि सुनाई देगा। हाँ, और बहुत गर्मी है यार, पॉसिबल नहीं है कि हम लोग वो कर सकें बिना एसी के। और आज बहुत टाइम बाद मैं और रजनीश साथ में नज़र आ रहा हूँ, है ना। पता नहीं कितने टाइम बाद, एक्चुअली मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता राधिका की वजह से। और आज कल 19 जुलाई थी, आज 20 जुलाई है। yes. कल राधिका ने अपना 7 मंथ कंप्लीट किया था, तो कल तो मैं कुछ कर नहीं पाई थी क्योंकि कल इनका फर्स्ट डे था ऑफिस का। yes. तो ये जल्दी चले गए और लेट आए, तो मैं कुछ नहीं बना पाई थी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं रजनीश के लिए बहुत अच्छा वाला खाना बनाती हूँ, राधिका के लिए खीर बनाऊँगी, राधिका को तैयार करूँगी, खुद तैयार होंगी, बहुत कुछ सोचा था। तैयारी शुरू भी की थी बट एक ट्रेजिडी हो गई, और बहुत बेकार वाली ट्रेजिडी हुई है आज हमारे साथ। राधिका बेड पे सो रही थी और नीचे गिर गई और मैं इतना रोई हूँ। मैंने रजनीश को फ़ोन किया ऑफिस में, रजनीश मतलब विदिन उतनी जल्दी आज तक रजनीश कभी आए ही नहीं होंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कैसी है, क्या हालत हुई उसकी। बस मैं बिना मतलब अपने कलीग को बताया कि बस मैं जा रहा हूँ और मैं निकल गया वहाँ से। मैंने मतलब बॉस भी बैठा हुआ था कि मैंने उसको बोला भी नहीं, मैंने कलीग को बोला कि बॉस अगर पूछे तो बता देना कि मैं घर गया हूँ, और फिर मैं वहाँ से निकल गया दौड़ते हुए। और अच्छी बात ये थी जब मैं यहाँ पहुँचा तो राधिका तब तक शांत हो चुकी थी और काफ़ी बेटर थी उस स्थिति में, जैसा कि मुझे उम्मीद थी उस हिसाब से नहीं हुआ। हाँ, हल्का सा यहाँ चोट लगा था उसको यहाँ पे, और वो मैंने उसको गर्म पानी से थोड़ा सेक दिया तो थोड़ा ठीक भी हो गया। और साथ में मैंने अपनी दीदी को कॉल किया क्योंकि मैं इतना घबरा गई थी। उसने बोला मुझे कि सरसों तेल की मालिश कर दो सर पे, हाथ पैर में थोड़ा बहुत लगा दो तो सही हो जाएगा। तो फिर मैंने किया वैसे, लेकिन राधिका को कुछ मतलब वो गिरी और मैंने उसको उठाया और वो चुप हो गई, और मैं इतना ज़्यादा गिल्ट फील कर रही थी, इतनी देर तक मैं रोई हूँ, अभी भी मैं शिवर कर रही हूँ जब वो इंसिडेंट याद कर रही हूँ। तो मैं कैमरे में देख रही हूँ इतनी जल्दी वो उठ के बेड से नीचे आ गई, पता ही नहीं चला मतलब। तो छोटे बच्चों के लिए हमेशा ध्यान रखिए, बहुत वो कब कैसे एक्ट करेंगे पता नहीं होता। और इसी वजह से एक्चुअली राधिका को बहुत ज़रूरी थी, मैं बहुत टाइम से बोल रही थी रजनीश को कि इसके लिए रग लेके आओ, क्योंकि इसको अब घुटनों पे चलने की आदत हो गई है, क्रॉल करती है। और रजनीश हर बार बोलते थे भूल जा रहा हूँ। आज फाइनली इसका रग आ गया है, अब राधिका उस पर क्रॉल कर पाएगी आराम से। और मैं दिखाती हूँ अभी राधिका क्या कर रही है। और हाँ, राधिका को मैंने सोचा था फ्रॉक पहनाऊंगी, तो आज राधिका को मैंने फ्रॉक पहनाया है बहुत टाइम बाद। राधिका को दिखाते हैं। आपने देख लिया राधिका को, अभी वो ठीक है बिल्कुल, लेकिन अभी वो बहुत आजकल खड़े होने की कोशिश कर रही है, नए नए ट्रिक सीख रही है। और तो राधिका एक्चुअली अब बहुत जल्द एक्टिव हो रही है,
उसका दिमाग बहुत जल्दी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, तो उसको लगता है कि हर नई चीज़ ट्राई करें, और इसलिए वो हम लोग परेशान बहुत करती है। तो आज के ब्लॉग में आई थिंक मुझे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि राधिका अब परेशान करी तो शायद ही बन पाए। तो आज के लिए टिल द टाइम बाय, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ। बाय बाय।